कैथल में लगातार बढ़ रही चोरियों की वजह से लोगों में बहुत रोष है और अपना रोष प्रकट करने के लिए अंबाला रोड के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद किया और एक रोष मार्च निकालते हुए पिहोवा चौक पर प्रदर्शन किया। मौके की नजाकत को देखते हुए कैथल के SP वसीम अकरम मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाया और आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने पिहोवा चौक से अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। गौरतलब है कि जिला कैथल में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। कल कैथल के अंबाला रोड पर शिव कम्युनिकेशन नामांक एक मोबाइल के होलसेल शोरूम में चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल और लगभग 20 लाख नकद चोरी की और मामला सारा CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। दुकानदारों का कहना है कि 24 घंटे हो चुके हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं और कोई पुलिस ठोस आश्वासन भी नहीं दे पा रही है। अगर पुलिस ने आने वाले 24 घंटे में कोई निर्णायक नतीजा नहीं दिया तो परसों पूरे शहर के दुकानदार बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी कैथल पुलिस की होगी। बात ये सर, जो आज हमने आज का प्रदर्शन किया वो सिर्फ इसीलिए किया कि पुलिस ये ना समझे कि हम किसी तरीके से इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि ये चोरी हो गई या कोई बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन पर किसी तरह की ढील ना बरती जाए, जल्दी जल्दी उसको उनको पकड़ा जाए। अगर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, उन्होंने हमसे कल तक का समय मांगा है, अगर कल तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम परसों को इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पुलिस फिर ये कहेगी कि हमने उनको आगाह नहीं किया। हम उनको पहले ही बता रहे हैं कि हर तरीके से ठोस कार्रवाई की जाए। इस बार जब कैथल के SP वसीम अकरम से बात की गई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि कुछ समय से हरियाणा में इस तरह की चोरियां हो रही हैं, जिसमें मोबाइल दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है। जिया मोबाइल चोरी के मामलों में लोग नामजद हैं, उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से इस काम में जुटी हुई है और हम पुलिस की गश्त का टाइम भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग सर्दी की वजह से सुबह जल्दी नहीं निकलते और चोर इस बात का फायदा उठाते हैं। देखिए, इसमें इस मामले में क्योंकि ये स्पेशलाइज तरीके की चोरी हो रही है, इसमें मोबाइल की दुकानों पर ही खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, तो इस संबंध में हमने पहले भी जो चोरियाँ हुई हैं उनका जो रिकॉर्ड है हमारे पास उसके हिसाब से, और इसके अलावा हिसार में, फतेहाबाद में और गुड़गांव में इस तरह की चोरियाँ हो रही पाई गई हैं, जिसको हमें पता चला है, उसके हम डेटा को मैच कर रहे हैं और उनके जो कॉमन क्रिमिनल आ गए हैं उन लोगों पे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो इस मामले में मोबाइल चोरी के, दुकानों की चोरी में लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका डेटा हमने लिया है, तो उसमें से कुछ डेटा गाजियाबाद के लोगों का आया, हम लोग पे वर्कआउट कर रहे हैं। थैंक यू। तो गश्त बढ़ाई जाएगी? गश्त नियमित, गश्त में एक समस्या ये है कि हमारी गश्त अभी तक 4:30 बजे तक चल रही थी, तो इसको गश्त को हम सुबह और लंबे टाइम तक के लिए करेंगे, ताकि अभी रात चढ़ सुबह का लोगों का आवागमन देर से हो रहा है ना, इसलिए 5:30 बजे तक जरूर करेंगे। कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर बजी जींद में चुनाव की रणभेरी, एक बार फिर मैदान में उतरेंगे सियासी योद्धा। कौन लड़ेगा विकास के मुद्दे पर, कौन खोलेगा सत्ताधारियों की पोल, क्या भाजपा जीत पाएगी ये सेमीफाइनल, या फिर विरोधी बजा देंगे ढोल। जींद विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखिए जींद की जंग, केवल सत्य खबर पर। आज ही लॉगिन करें www.satyakhabar.in पर। सब्सक्राइब करें YouTube/satyakhabar। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।